के पहले वाला पार्ट में तुम लोगों को ये हिसाब लिखाए थे और बोल दिए थे इसको बतलाना है ना। तो निम्न एपी का पहला ऋणात्मक पद निकाले, तो इससे पहले ये सीखो कोई हम लोग श्रेणी लिखते हैं, जैसे मान लो दो तरह से किसी भी पद को लिख सकते हैं श्रेणी को, एक उल्टा एक सीधा। जैसे देखो ये दो तीन पाँच तीन आठ तीन ग्यारह डॉट 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 ग्यारह तीन चौदह तीन सत्रह तीन बीस, मान लो यहाँ बीस बीस, या चलो इतना ही पर रहने दो चौदह। क्या ये एपी है? एपी की पहचान हमेशा कॉमन डिफरेंस से होगी, बतला दिया है जे। तो कॉमन डिफरेंस आगे वाला में से ठीक पीछे वाला कहीं से घटा लो, एक पद चुनो, ग्यारह चुनेंगे तो आगे वाला में से ये पीछे वाला घटाएंगे तो ग्यारह में से आठ गया तीन, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस तीन है। अगर एपी है तो फिर आठ में से पांच घटाओ तीन, पांच में से दो घटाओ तीन। ये किस टाइप का एपी है? बढ़ते हुए क्रम में है, दो से बड़ा है पांच, पांच से बड़ा है आठ, आठ से बड़ा ग्यारह, यानी ऐसा पदों का समूह है जो एपी तो है लेकिन आगे बढ़ते हुए क्रम में है, छोटी संख्या पहले बड़ी संख्या इससे आगे, इससे बड़ी आगे, है ना। इसको कहते हैं क्या? इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीज मतलब बढ़ना, डिक्रीज मतलब घटना। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बढ़ते हुए क्रम में। किसी को अगर ऐसे उलट दे, मान लो चौदह ग्यारह आठ पाँच ये दोनों देखो एपी है कि नहीं है, है ना। इसमें है तीन का अंतर, पांच में से दो गया तीन, कॉमन डिफरेंस पांच तीन आठ, कॉमन डिफरेंस तीन है ना। इसमें कितना है? आगे वाला में से पीछे वाला घटाएंगे तो ग्यारह में से चौदह घटाएंगे तो माइनस तीन आएगा, आएगा ये हो गया ग्यारह में से चौदह निकला तो माइनस तीन, आठ में से ग्यारह घटाएंगे हर एक आगे में से पीछे वाला घटाएंगे तो माइनस तीन आएगा। इसका एक अर्थ ये भी हुआ, अगर किसी एपी का पहला पद ज्ञात हो और कॉमन डिफरेंस ज्ञात हो तो हम एपी बना सकते हैं, बना सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पर ए, पहले इसी को देखो, इस पहला पद है इसमें ए, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव, इस सीरीज को ही हमने उलट दिया। अब ये हो गया ए फाइव तो अगर इसको उलट देंगे, उलटने पर ये हो गया घटते हुए क्रम में, चौदह से कम ग्यारह, ग्यारह से कम आठ, इससे कम पांच, इससे कम दो, है ना। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। हिंदी में आरोही क्रम होता है और अवरोही क्रम होता है। हाँ, तो इसमें अगर हम आगे की ओर बढ़े तो कहीं न कहीं शून्य आएगा, ये बोलो तो। इसमें चौदह से कम ग्यारह से कम आठ से कम पांच इससे कम दो, तो आगे वाला अंक क्या होगा? चौदह में कितना जोड़ेंगे? जैसे दो में तीन जोड़े तो पांच हुआ, समान अंतर पर चलने के लिए समानांतर श्रेणी होता है ना, समान अंतर पर चलता है। ये तीन के अंतर पर चल रहा है, दो तीन पांच, पांच तीन आठ, ये कितने के अंतर पर चल रहा है? तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, इसमें माइनस तीन आता है, ग्यारह में से चौदह गया तो माइनस तीन, इसका मतलब बी का मान हुआ माइनस तीन, ये हो गया ए। दूसरा पद होगा ए प्लस वन डी,
होगा ना, एक का मान हो गया 14, जोर डी का मान -3, दो तीन हने पर कोस्ट 14 प्लस माइनस माइनस 3 बराबर 11 है। अगर मान लो ये पद 14 के बाद 11, यहाँ देखो तो 11 के बाद आगे वाला पद क्या होगा, तो 11 में कॉमन डिफरेंस -3 है ना, डी का मान -3, तो 11 में 3 जोड़ो, जैसे 2 में 3 जोड़े तो 5, 5 में फिर 3 जोड़े तो 8, तो इसमें कितना जोड़ना पड़ रहा है, 14 में -3 तब 11, 11 में फिर -3 जोड़ेंगे तो 11 में जोड़ना है तो जोड़ का 3 कितना, तो -3, तो प्लस माइनस आने पर कोस्ट 11 प्लस माइनस -3, 11 में 3 गया 8, तो इससे अगला पद होगा 8 है ना, 8, फिर 8 में -3 जोड़ेंगे तो 5, 5 में -3 जोड़ेंगे तो 2, इससे अगला पद क्या होगा, तो 2 में -3 जोड़ करके देखते हैं, तो 2 जोड़ -3, तो प्लस माइनस -3 -1, तो यहाँ -1 होगा। अगर कोई धनात्मक संख्या हो, ये 2 प्लस 2 है न जी, ये 1 -1 है, एक है धनात्मक एक है ऋणात्मक, तो धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या इसकी परिभाषा के अनुसार धनात्मक संख्या उसे कहते हैं जो शून्य के दाईं ओर होता है, ऋणात्मक संख्या उसे कहते हैं जो शून्य के बाईं ओर होता है। तुम लोग को याद है ना, देखो ये हिसाब है सिंपल, इसका हम थ्योरी बतला रहे हैं। अगर गिनती की संख्या को बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाए, बढ़ते हुए क्रम का मतलब जैसे मान लो 3 ठो ये कितना त्रिभुज दिखाई देता है, 4, तो हम लोग ऐसे भी तो गिन सकते हैं 1 2 3 4 बाईं ओर से दाईं ओर, उल्टा गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 होगा ना। तो अगर हम लोग शून्य लिखते हैं फिर इसके आगे बढ़ते हुए क्रम में पूर्ण अंक लिखते हैं पूर्णांक, तो शून्य के पीछे क्या है, -1 -2 -3 डॉट डॉट -4 -5 अनंत तक, इसमें भी चला जाएगा 1 2 3 4 अनंत तक, तो क्लियर होता है शून्य के दाईं ओर संख्याओं को अगर बढ़ते हुए क्रम में लिखे तो शून्य के दाईं ओर ये धनात्मक संख्या कहलाता है और शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या कहलाता है। तो अगर इसी में से हम लोग छांटे जो -2 और मान लो 3 के बीच, -2 और 3 के बीच शून्य कहाँ है, कह सकते हैं -2 और 3 के बीच में है शून्य, है ना जी। अगर हम मान लो इसको एपी मान ले, है भी एपी, ये देखो तो यहाँ से लेकर के यहीं तक की बात करो तो पहले -3 तब -2 -1 0 1 2 3, क्या ये एपी है, एपी होने के लिए देखेंगे जो पदों का समूह में प्रत्येक पद समान अंतर पर चलता है, अगर चल रहा होगा कॉमन डिफरेंस मतलब समान अंतर पर चल रहा होगा अर्थात कॉमन डिफरेंस समान होगा तो ये एपी होगा, तो कहीं से भी पता कर सकते हो, -2 में से आगे वाला में से पीछे वाला घटाते हैं तो -2 में से -3 गया तो कितना होगा, ये हुआ तुमको A1 A2 इसी तरह हो गया सब। अब D का मान निकालना है, क्या ये एपी है, तो एपी होने के लिए डी का मान समान होना चाहिए, तो अगले पद में से यानी डी बराबर A2 -A1, तो A2 का मान है तुमको -2 है ना,
तो माइनस दो में से घटाएंगे पीछे वाला पद ए वन, ए वन का मान है माइनस तीन, देखो दो तो तीन आया तो माइनस दो माइनस माइनस प्लस तीन बराबर एक, डी का मान आया एक आया ना, फिर माइनस दो में से माइनस तीन घटाए कहीं से घटाओ, शून्य में से माइनस एक घटा करके देखो क्या एक आता है, डी का मान निकालने के लिए चौथा पद में से कौन सा पद ठीक पहले वाला तीसरा घटाएंगे, डी बराबर ए फोर माइनस ए थ्री, तो ए फोर का मान हो गया जीरो, में से घटाना है कितना तो ए थ्री, तो ए थ्री का मान माइनस वन है तो माइनस वन, तो जीरो माइनस माइनस प्लस वन, तो जीरो में प्लस वन जोड़ेंगे तो वन होगा, यानी डी बराबर वन हुआ, इसका अर्थ है ये एपी है। तो इसी में अगर कोई प्रश्न दे दे जो इस एपी का अगर मान लो इतना दे दे इसको यहां से हम छांट ले तीन चार पांच छह सात आठ अगला पद बनता जाएगा, कहेंगे इस एपी का कौन सा पहला पद धनात्मक पद है, तो ये पहला पद दूसरा पद तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवा, ये शून्य कैमा पद है, एक पहला पद दूसरा तीसरा चौथा ये ए फोर है ना, इस एपी का कौन सा पहला पद धनात्मक पद है, तो धनात्मक पद यहाँ से शुरू होता है एक है यानी प्लस एक है, ये दो है प्लस दो है, इस एपी में कितना धनात्मक पद है बोलो तो, गिनती में कितना धनात्मक पद है, तीन है ना, एक दो तीन शून्य, न तो धनात्मक पद होता है न ऋणात्मक, बल्कि एक पूर्णांक होता है पूर्ण अंक होता है, और शून्य के आगे तीन ठो धनात्मक पद है, तो इस एपी में तीन धनात्मक पदों में पहला पद एक है ना, तो इसका अर्थ ये हुआ कोई भी धनात्मक पद शून्य के ठीक आगे होगा, पहला धनात्मक पद अगर यहाँ पर हम लोग इसको गौण कर दें, सिर्फ इतना ही पर सोचो इस एपी का कौन सा पद पहला धनात्मक पद होगा, शून्य तो धनात्मक पद नहीं है, तो हर हाल में शून्य के आगे वाला ही होगा ना, अब मान लो शून्य को भी हटा देते हैं तो पर भी ये एपी है, एपी होने के लिए कम से कम तीन ठो पद को दिखाना होगा तब डॉट डॉट डॉट, तो चौथा पांचवा छठा अनंत पद निकलता रहेगा, तो अगर इतना ही दिया जाए तो हमें इसका पहला धनात्मक पद निकालना है, तो पहला धनात्मक पद निकालने के लिए सबसे पहले हमें खोजना होगा जो शून्य कहाँ है कैमा पद है, शून्य यहाँ पर मान लो चौथा पद होगा तो इसके आगे पांचवा पद पहला धनात्मक पद होगा, है इसी बात, जैसे देख लो नौ में से तीन घटाएंगे छ, फिर तीन घटाओ तीन, तीन में से तीन घटाएंगे जीरो, इसमें से तीन घटाएंगे माइनस तीन, इस तरह एपी बढ़ता चला गया, ये तीन माइनस तीन के अंतर पर चल रहा है, तो इस एपी में कौन सा पहला पद ऋणात्मक पद है, तो क्लियर आंसर है माइनस तीन, तो माइनस तीन के पहले भी तो माइनस दो है,
लेकिन -2 नहीं है पहला ऋणात्मक पद। इस एपी में कॉमन डिफरेंस हम निकालते जाएंगे, सिर्फ इतना लिया जाए जो पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद दिया हुआ रहे। कहेगा इस एपी का पहला ऋणात्मक पद निकालें, तो 9, 6, 3 .. ये एपी दिया हुआ है, इसमें हमें पहला ऋणात्मक पद निकालना है। तो ऋणात्मक पद की जानकारी लेने से पहले ये जानकारी लेना है, जो ऋणात्मक पद तो शून्य के आगे होगा इसमें, तो शून्य कैमा ऋणात्मक पद है, जैसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो यहाँ पर ऋणात्मक पद से ठीक पहले शून्य कहीं न कहीं आएगा, शून्य के आगे ही ऋणात्मक पद शुरू होगा। तो इस टाइप का जो भी हिसाब हो, जो पहला ऋणात्मक पद निकाले या पहला धनात्मक पद निकाले, तो हम लोग ये ज्ञात करेंगे। मान लो यहाँ पर शून्य आता है चौथा धनात्मक पद, तो इसका मतलब यह है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चौथा पद है। तो चौथा पद के ठीक आगे जो भी पद आएगा वह पहला ऋणात्मक पद होगा। समझ रही है? तो ऋणात्मक पद अगर इसको उल्टा चलेंगे, इसी को ऐसे उल्टा देंगे, -6, -9, -6, -3 यह एक एपी है, इसका पहला ऋणात्मक तो है ही। और देखो ये घटते हुए बढ़ते हुए क्रम में है, -6 से 12 -9 से 12 -6 है, पहले ये सब मालूम है ना, -6 से 12 -3 ये सब मालूम है, संख्या रेखा के बारे में बतलाए थे, -3 से 12 0 एपी है, 3 के अंतर पर चल रहा है, तब यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 6। तो एपी में अगर 3 ही अंक दिया है, 3 ही पद दिया है और हमें पहला धनात्मक पद निकालना है, तो पहला धनात्मक पद शून्य के आगे जो भी पद आएगा वह पहला धनात्मक पद होगा। समझ रहा है इसको? क्वेश्चन को छोटा करते हैं, तो इसमें चलो इसी को बना करके देखते हैं। देखो निम्न एपी का पहला ऋणात्मक पद निकाले, ऐसा क्वेश्चन रहे, एपी का पहला ऋणात्मक पद निकालना हो या पहला धनात्मक पद, ऐसी स्थिति में हम लोग दिए गए एपी का शून्य निकालेंगे जो कैमा पद है, क्योंकि शून्य अगर 12वां पद होगा तो शून्य से आगे वाला 13वां पद ऋणात्मक पद ही होगा, होगा ना, शून्य के एक ओर धनात्मक पद और दूसरी ओर ऋणात्मक पद। तो हिसाब की शुरुआत करेंगे, माना कि इस एपी का एनमा पद शून्य है, मान लो एन का मान आता है 15, यानी 15वां पद शून्य है, तो 15वां पद शून्य है, इसका अर्थ है 15वां पद के पहले जो भी है धनात्मक संख्या है और शून्य के आगे ऋणात्मक संख्या ही शुरू होगी। तो शून्य अगर 15 नंबर पर है तो 16 नंबर पर ऋणात्मक पद होगा ही, है इसी बात। तो शून्य कैमा तुमको पद है, तो मान लेते हैं इस एपी का शून्य एनमा पद है, तो एनमा पद बराबर शून्य, एनमा पद को क्या लिखते हैं, एन बराबर शून्य, एन का फॉर्मूला a+(n-1d) बराबर शून्य। यहाँ a बराबर कितना है, पहला पद है 24,
बी बराबर कितना है 21 माइनस 24 बराबर -3 ये का मान बैठाएंगे 24 प्लस एन -1 डी का मान रखेंगे तो गुना चिन्ह देंगे डी का मान -3 बराबर 0 समझा नहीं इतना तो ये हो गया तुमको एन -1 गुने -3 बराबर 0 ये प्लस 24 को बराबर के आगे ले जा रहे हैं तो -24 होगा ये हो गया एन -1 गुने -3 ये -24 रह गया और एन -1 बराबर -24 बटा -3 -3 कट गया। इसके बाद देखो यहाँ और एन -1 बराबर कट जाएगा 3 8 24 8 और एन -1 बराबर 8 और एन बराबर 8 + 1 एन बराबर 9 यानी इस एपी का नवा पद जो होगा पहला दूसरा तीसरा इस तरह नवा पद जो होगा ये शून्य होगा तो शून्य के पहले धनात्मक अंक है तो शून्य के आगे ऋणात्मक अंक होगा होगा तो नवा स्थान पर शून्य है तो दसवा स्थान पर पहला ऋणात्मक पद होगा इस बात को समझे तो ये तर्क में लिखना होगा। चलो इसको उतारो तो इसको तू लोग समझ गया ना जी। माना कि इस एपी का एनवा पद शून्य है एन का मान 9 निकला वाला मिटाओ प्रिंट को हम लोग लिख सकते हैं। अतः इस एपी का एनवा पद यानी एन का मान न आया एन के जगह न दो तो नौमा पद है ना नौमा पद शून्य है तो जब नौमा पद शून्य है तो इसका मतलब 9 1 10 दसवा पद ऋणात्मक पद होगा पहला ऋणात्मक पद इसलिए इस एपी का 9 + 1 बराबर दसवा पद पहला ऋणात्मक पद होगा है इसी बात तो पहला दे दे पहला ऋणात्मक पद निकाले तो पहला ऋणात्मक पद दसवा पद हुआ तो पहला ऋणात्मक पद दसवा पद को a10 लिखेंगे a सफिक्स 10 a10 बराबर बोलो कितना a प्लस कितना डी 9 डी दसवा पद a प्लस 9 डी a का मान 24 प्लस 9 डी का मान कितना तो 21 में से 24 घटाएंगे तो -3 आएगा। इसको हल करने पर 24 प्लस माइनस
माइनस नौतिया 27 बराबर माइनस 3। इस हिसाब को तू लोग समझा, बोलो तो एक बार रिपीट करते हैं, उतार लो तो। तुम लोग को देखो इसमें लगता है कंसेप्ट नहीं आया। अगले पार्ट में धनात्मक और ऋणात्मक पद की पहचान, पहला धनात्मक और पहला ऋणात्मक पद, किसी एपी में पहला धनात्मक पद को कैसे पहचानेंगे और पहला ऋणात्मक पद को कैसे पहचानेंगे, इस टॉपिक पर ही फिर एक बार हम थोड़ा डिटेल में ही बतला देंगे पार्ट 6 में, ठीक है।